सुबह ऐसी डब्बी और तेरे को मिली थी? नहीं मिली थी, कोई बात नहीं। एक काम कर, वो जो रबड़ रखे रहते हैं ना, रबड़ बैंड, उसके डिब्बे उठने ला। ये किसी चीज में निकाल के रख दे, डिब्बी ले। वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। ठीक है, बस बस। आज बहुत दिन के बाद हम आप सबसे मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि इतने दिन से आ नहीं पा रहे थे, किस किसी में बिजी थे, पर आप सबके इतने प्यारे मैसेजेस आ रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव केयर। तो आज मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ बढ़िया सा करेंगे। होप आप सब उस चीज़ को इंजॉय करें हमारे साथ। तो लेट्स बिगिन द क्लास टुडे। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। आई एम अनीता। बहुत दिन के बाद फिर से वेलकम है हमारी फैमिली में। तो आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिले, और जो हम लोगों ने टीचर्स डे पे आप लोगों को ऑफर दिया था वो सब पहुंचने लगा है। तो उसके लिए बहुत प्यारे मैसेज भी आ रहे हैं। और इस बार क्या हुआ कि क्योंकि हमने बहुत सारा ही लॉकडाउन वगैरह ये सब चल रहा है, कईयों के पार्सल इधर उधर धक्के खाए, तो कुछ का टूटा भी। तो लेकिन उसके टूटने के बाद भी सिर्फ एक ही बात आई कि उसमें आपका प्यार दिखाई दे रहा था, आपकी पैकिंग दिखाई दे रही थी, और टच वुड की बॉक्स टूटा नहीं, सिर्फ उसके स्क्रूज निकले हैं, तो वो दोबारा लग जाएंगे। हमने भी पहली बार ट्राई किया कि कुछ कुछ नया ना करो तो मज़ा क्या है, तो इस बार अब उससे भी अच्छा कुछ सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच, वो चीज़ें आपको पसंद आई, वो प्यार हमारा आपको पसंद आया। और जिनकी टाइल टूट गई है गलती से इस बार, तो हम दोबारा फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया फिर से कुरियर वाला देखे। कई बार होता है, जैसे आपका जब एक उदासी वाली आवाज़ आती है ना, मैम इसमें से एक टूट गई, तो उसके साथ ही आता है, लेकिन मैम चाहिए तो एक ही थी, एक तो आपका गिफ्ट था, लेकिन दुख इस बात का है कि इतने प्यार से आपने भेजा और टूट गया। तो हमारा जो उत्साह है ना, फिर से आ जाता है। तो हम लोग फिर से एक बार नया कोई कुरियर वाला देख रहे हैं, फिर से मैं आपको टाइल भेजूंगी, हिम्मत कभी छोड़ते ही नहीं है हम लोग। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज अभी कुछ नया बनाने से पहले आप लोगों का बहुत दिन से आ रहा था ब्रशेस को लेके। अभी जो मेरी क्लास में स्टार्ट हुई है वो है 6 या 7 तंजोर। तो आप में से बहुत सारे लोग हो इसमें, तो आपको पता है अब सब लाइव का तंजोर स्टार्ट हो रहा है, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले कुछ काम की बातें कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अपने ब्रशेस की, ब्रशेस कौन सा, कहाँ पे, कैसे, क्यों यूज करना चाहिए, वो हम पहले भी एक वीडियो अपना आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जो कि आप लोगों के बहुत काम भी आया और आप लोगों के मैसेजेस मिले। उसके बाद आधे से ज़्यादा लोगों का ये था कि ब्रशेस बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैम उसके लिए कुछ बताइए कि हम क्या करें जो हमारे ब्रशेस ख़राब ना हो। इतने महंगे ब्रशेस हैं, बट बिलीव मी, कई बार जब मैं अपने लाइव क्लास में होती हूँ, नया ब्रश भी निकालती हूँ, उसमें से एक बार जैसे ही काम करती हूँ दोबारा उसको डिप करो, तो उसके 2-3 बाल अपने फैल चुके होते हैं। बालों से याद आया कि थैंक यू सो मच, यूट्यूब पे हमारा जो एके आर्ट एंड कौन सा था, मस्ती की पाठशाला नाम से हमने स्टार्ट किया है, मेरे ही यूट्यूब पे है, उसमें हमने अपने हेयर टिप्स स्टार्ट किए हैं। लोगों के बहुत प्यारे मैसेज आए कि बहुत काम आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। अभी हमने अपना हेयर ऑयल वहां पे अपना आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का था कि बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम हो रही थी, कि बहुत वीक थे बाल, बहुत टूटते थे या जो भी, फिर डैंड्रफ का था, वो किया था। अगर आप लोगों की भी कोई भी प्रॉब्लम है आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए अब करते हैं ब्रश के बालों के बाद। हमारी मक्खी एज यूजुअल आ गई है, जब भी क्लास होती है तो बेचारी मेरी, ये एक ही मक्खी है, सारे हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट जानते हैं, ये जितनी देर होगा ये एक ही मक्खी पूरा टाइम यही रहेगी, तो शायद किसी जन्म का हमारा प्यार है इससे। अब देखिए फिर से एक बार आपको दोहरा देती हूं, ये जो मेरे सॉफ्ट है ब्रश, ये है हमारे जब मैं कोई एक्रेलिक या अगर मैं कोई वाटर बेस काम कर रही हूं तो मैं ये लेती हूं, ठीक है। अगर आप, मैं ऑयल भी इससे करती हूं, लेकिन जब मैं रिलीफ आर्ट जिसको आप बोलते हो, या पर्शियन आर्ट जिसको बोलते हो, या मेरा म्यूरल आर्ट, वो जब मैं काम करती हूं तो मैं हॉक ब्रश लेती हूं, मींस ये वाले जो बहुत हार्ड है। वो रीजन क्या होता है कि अगर मेरे लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप रिलीफ आर्ट कर रहे हो आपके पास हार्ड ब्रश नहीं है तो काम नहीं होगा, होगा, पक्का होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम नॉर्मल ऑयल पेंटिंग करते हैं तो हम किस तरह से काम करते हैं, कलर लिया और उसको बहुत प्यार से हमें जाना है कि उसका स्ट्रोक ना आए।
लेकिन जब हम कोई म्यूरल काम कर रहे हैं या हम अपना रिलीफ में काम कर रहे हैं, तब रिलीफ में हम क्या करते हैं या पर्शियन में हम क्या करते हैं, बहुत सारा लिंसेड ऑयल या वो सब ना लेके हम थोड़ा सा टच करते हैं, कलर लेते हैं और उसको रफली एकदम बड़ी जोर से हल्का सा टच करते हैं कलर का, और फिर से अच्छे से स्प्रेड करते हैं। तो हमारा बहुत जोर देने का काम होता है। अगर इतने सॉफ्ट से करोगे तो क्या होगा कि वो बड़ी स्मूथली ऐसे आएगा, वो मुझे चाहिए नहीं। मुझे उसमें क्या चाहिए होता है, मैंने यहाँ कलर लगाया, उसको स्प्रेड कर दिया। तो मुझे रफ काम करने इसके लिए मुझे हार्ड चाहिए ब्रश, इसलिए मैं ये यूज करती हूँ। अब हमारी प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये तो हमने उस वाले वीडियो में भी करा था, ये बस एक बार फिर से रिविजन की तरह बात कर रही थी आप लोगों से। मानसी मुस्कुरा दो, तो रोकने वाले थे आप लोग, सब लोग हेलो 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 बोल रहे हैं। तो अच्छा, तो हमारी पूरी एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस की फैमिली आ चुकी है एंड वी आर प्राउड टू हैव यू ऑल। सिर्फ एक बात और, राइट, एक बात और कहूंगी कि कुछ दिन पहले जब मैं आई थी, जब मैंने अपना फ्री ट्यूटोरियल गणपति का रखा था, तो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि कोई काम है जिसके लिए मुझे आपकी विश चाहिए, और आप सबने इतने प्यारे मैसेजेस, मुझे व्हाट्सअप मेरा भर गया था ये कह के कि मैम ये तो नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। और बिलीव मी, दवा से ज्यादा आजकल दुआ काम कर रही है, तो हमारा काम वो बहुत अच्छे से हुआ, उसके लिए दिल से थैंक्स। अभी फिर से है आपकी जरूरत कि कल फिर से ऐसा ही एक कुछ है जिसके लिए भगवान के लिए आप लोग प्रे करना कि वो काम बहुत अच्छे से हो जाए। आजकल मैं सच बता रही हूँ, भगवान की दुआ से, आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग बिल्कुल सेफ हैं, टच वुड। लेकिन आप सब भी तो हमारी फैमिली हो, कोई स्टूडेंट, किसी का हस्बैंड, किसी की फैमिली, किसी का कुछ, ऐसे ऐसे आप आने लगे हैं, किसी का तो इतना आगे चला गया कि वो दुनिया में ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे मैसेजेस और कॉल्स आती है ना कि हमारा सारा खराब हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कोई अपना इतना परेशान है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी मेरे ही स्टूडेंट है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी के साथ फैमिली में हो गया, तो दिल से कह रही हूँ बहुत बहुत दुख होता है। तो भगवान के लिए आप सच में एक बार तो हम लोग भी हाथ जोड़ के कहते हैं भगवान सबके घर से अच्छी आवाज आए, तो आप जरूर प्रे करिएगा कि हमारे यहाँ भी सब बहुत अच्छा हो जो होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ ब्रश की। हम क्या कहते हैं कि जब हमारे नए ब्रशेज आए वो इतने सुंदर है ना, और उसके बाद जब आप काम करते जाते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, वो इस तरह से कुछ हो जाते हैं। ये मेरे, खैर आप यूज करने के उससे आप देख रहे होंगे बहुत सालों पुराने हो जाते हैं, लेकिन तब भी उतनी बुरी कंडीशन में नहीं है। कम से कम ये हार्ड ब्रश है, लेकिन इसमें नीचे कलर नहीं जमा है। अब आपको सबसे पहले थोड़ी थोड़ी सी बातें काम की बताते हैं। हम क्या कहते हैं कि जब कोई मेरे से पर्सनल उस पर पूछता है, मैम मेरा ब्रश खराब हो गया, आपने बोला था टर्पेंटाइन से कर लो, मैंने किया बट उससे भी हुआ नहीं, हम क्या गलती करते हैं, हम कोई भी चीज़ हो, जैसे हमने अगर मान लीजिए इसमें मेरा टर्पेंटाइन है ना, अभी आपको उसमें भी दिखाऊंगी, पहले एक बार समझा दूं, इसमें टर्पेंटाइन है, आपका गंदा ब्रश है, आपने इसको ऐसे साफ करा, उसके बाद क्या हुआ, हमने एक सूखे कपड़े से पोछा, थैंक यू, हमने पोछा, और उसके बाद हमने क्या करा, इसको वापस अपने स्टैंड में इस तरह से खड़ा कर दिया, ठीक। इसके अंदर आपके एक बार टर्पेंटाइन में साफ करने से कभी भी पूरा कलर निकलता ही नहीं है, ना उसमें जो टर्पेंटाइन ऑयल है हमारा वो वापस निकला, तो क्या हुआ, आप कभी भी देखोगे जो आपके पुराने ब्रश हैं ऊपर से यहां से फिर भी साफ हो जाए, ये जगह जो है पूरी ब्लॉक हो जाती है, और जैसे जैसे यहां कलर जमा होता है ये चीज ऐसे इसके ब्रिसल्स चौड़े होते जाते हैं, फिर आपका वो काम नहीं आता है ना। ये मेरा बेचारे की हालत देख के पता चल रहा होगा बहुत पुराना है, फिर भी बुरा नहीं है, है ना। तो हम क्या गलती करते हैं, जब आपने इसको साफ किया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने इस तरह से साफ किया, इसको अच्छे से पोछा, कैसे साफ करना, दो तीन स्टेप में वो भी अभी करके दिखाऊंगी, उसके बाद ब्रश को ऐसे या ऐसे कभी नहीं खड़ा करना जब तक वो पूरा सूख ना जाए, उसका टर्पेंटाइन भी गायब ना हो जाए, अगर सोप से साफ किया तो बिल्कुल सूख ना जाए, पानी भी सूख ना जाए, तब तक आपको ब्रश को इस तरह रखना है, कहीं भी रखो लेकिन इस तरह रखना है, सही दिखाई दे रहा है, ओके। तो आपको इस तरह रखना है, जब वो सूख चुकेगा, क्योंकि इसका यहां पे है जो भी चीज है वो नीचे से निकलेगी, यहां जाके फंसेगी नहीं, क्लियर। तो हम जब तक वो सूखेगा नहीं इसको ऐसे रखेंगे, हमारा ब्रश काफी अच्छा रहेगा, ठीक। अब
दोनों तीनों मानसी मुस्कुरा रही है। आज ना मैंने मानसी से कहा था कि मानसी बहुत दिन के बाद जब कोई काम करते हो ना तो डर सा लगने लगता है। मैं कह रही थी मानसी पहले हम हर हफ्ते जाते थे, अब महीना महीना निकल जाता है, क्योंकि देखो हमारी जिंदगी में कोई भी हो आप में से, हम हमारी प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। और आजकल जो सब चल रहा है ना उसमें इतना सब बिजी शेड्यूल हो गया और इतनी सारी ऑनलाइन क्लास हो गई तो बस बहुत बिजी हो गए। तो मैं कह रही थी आज ऐसा लग रहा है मैं पहली बार कैमरे के सामने जा रही हूँ, तो तू ना मुस्कुराते रहना। अभी मैंने देखा मैं बोले जा रही हूँ, जैसे देखा मानसी मुस्कुरा रही है, मुझे पता भी नहीं, साइड में देख भी नहीं रही हूँ कि आपको पसंद भी आ रहा है या नहीं। चलिए आप पहली बात काम की बात। अच्छा एक मिनट है मानसी, कोई सॉफ्ट वाला सोप निकला हुआ डव जैसा या कोई लक्स जैसा? हाँ कोई भी है? अच्छा ठीक है, यहाँ से मैं दिख रही हूँ तब तक बात कर लूंगी। ठीक है ओके सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद था ना मुझे याद ही नहीं था, मैं पढ़ लेती हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, मानसी अभी वो लेने गई है। चलिए ओके ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी हम क्या गलती करते हैं जब हमारा ब्रश गीला है, हम क्या करते हैं एक पानी लिया हुआ है उसके अंदर हमने, जैसे मानिए मैंने इसके अंदर पानी लिया ओके, हमने कोई भी एक्रेलिक का वाटर कलर का कोई भी काम किया, हमने इसके अंदर किया साफ किया और उसके बाद हमने पोंछा, हमारी तरफ से हमारा ब्रश साफ है और हमने उसको वापस खड़ा कर दिया, बिल्कुल गलत। आप अपने ही सामने एक पानी के बाद कम से कम 2-3 ग्लास में पानी रखो, एक में से किया दूसरे में करो तीसरे में करो, जब तक पानी आपको लगता है बिल्कुल प्योर वाइट नहीं आ गया तब तक मत छोड़ा करो। उसके बाद आप अपना जो आपका रनिंग वाटर है टैप के नीचे, उसके नीचे एक बार उसको इस तरह से, कभी भी ब्रश को उल्टा साफ मत किया करो, उससे क्या हो रहा है गंदगी अंदर जा रही है। और मानसी एक ना बेटा थिनर और ला दियो, नेल पेंट रिमूवर जो होता है। थैंक यू बच्चे। तो मैं बता रही थी, तो आप क्या करो ब्रश जब भी साफ कर रहे हो टैप के नीचे भी इस तरह जाना ताकि गंदगी ऐसे आगे जाएगी, उसको वापस नहीं लेके जाना। तो ये मेरा हो गया, मैंने 2-3 पानी में साफ किया, उसके बाद मैंने इसको रनिंग वाटर के नीचे साफ किया। ये हो गया जब आप अपनी पेंटिंग रोज कर रहे हो, आपके ब्रश रोज निकल रहे हैं तो आपके काम आते रहेंगे। बट कई बार ये होता है कि जैसे आज आपने कोई काम करा, आपको हफ्ता 10 दिन काम नहीं करना, उस टाइम में आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि इसके अंदर आपकी तरफ से जो कलर, जैसे अब इसमें मैंने तो साफ करके ही रखा होगा ना, ये सब थोड़े से आपके लिए रखे थे कि आपको डेमो हो जाए। और तुम बेटा वो चीज गर्म करके ले आओ जो बताई थी तुम्हें, ठीक है? तो आप, मैं एक एक चीज करके आपको बताते जाती हूँ। हम आ जाते हैं सबसे पहले कौन सा ब्रश, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सो मच लाइक थम्स अप एंड हार्ट्स, कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे फेसबुक पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को, तीनों एक ही नाम से हैं, AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के संग और अपने आर्ट लवर्स के संग, अपने ग्रुप्स के साथ। सो कैच ऑन दिस वीडियो, जिसमें आज आप बहुत इंपॉर्टेंट टिप के बारे में जान पाएंगे। अच्छा अब ये है मेरा टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, ये आपको मिलेगा हार्डवेयर की शॉप पे। ये मैंने एक अलग डब्बी में, जैसे मैंने अभी आपको पानी का बताया सेम वैसे ही, आप एक ही में मत लिया करो, आप 2-3 में लिया करो, ठीक। आप जो भी आपका ब्रश गंदा है आपको क्या करना है, इसके अंदर जब आप काम कर रहे हो, ये तो मेरे पुराने यूज किए हुए हैं, तो ये देखो अभी मैं आपको दिखाती हूं, अब ये तो बेचारे मेरे ब्रश ही इतने पुराने हैं, इनकी तो मुंडी तक हिल रही है। ये यूज हो जाते हैं, हाथ सेट हो जाता है ब्रशेस पे, राइट, आप छोड़ नहीं पाते उन्हें, लेकिन ये मेरे बहुत पुराने हैं, लेकिन आप देखो इसका एक एक बाल, एक भी आपको जमा हुआ नहीं दिखाई देगा, दिख रहा है, फिर भी हार्ड है, लेकिन ये देखो एक भी ऐसा नहीं है कि वो जाम हो गया या एकदम साफ, ये देखो कितना भी पुराना है, मैं आपको ये दिखा रही थी, ये शक्ल से जरूर पुराना हो गया लेकिन देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये वाला देखो आपको दिख रहा है कितने पुराने ब्रश है, लेकिन ये देखो एक भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक। अब मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, मानसी को देना बेटा, गरम है ना,
खोल इधर आके खोल पर मान से खोल अच्छा रहने दो अब फ्रेंड्स क्या है क्यों है ये हम बात करते रहेंगे बीच बीच में ये वाले वो ब्रश हैं जो बिल्कुल पत्थर हो गए हैं हार्ड हैं ठीक है मैं वो दिखा रही हूँ फिर क्या है क्यों है कब यूज़ करना है वो सिखाऊंगी बताऊंगी पहले एक बार मुझे करने दो ये देखो जैसे ये वाला बहुत हार्ड हो गया ये ब्रश ठीक कलर दिखाई दे रहा है इसको डिप करके रख रही हूँ अगर इसके अंदर से मानसी उधर से आपको दिखा पाए मैंने इसीलिए ट्रांसपेरेंट रखा है मानसी इधर से दिखाना बेटा इनको साइड से आपको ना हल्के हल्के कहीं कहीं बुलबुले नजर आएंगे जो जा रहे हैं देखो मैं पकड़ती हूँ अब दिखाई दे रहे हैं अब साइड से देखना थोड़े से बुलबुले नजर आएंगे बबल्स नजर आएंगे जो ऊपर पानी की तरफ निकल रहे हैं ये वो वाले ब्रश हैं जो एकदम पत्थर हो जाते हैं जो आपके हिल ही नहीं रहे हैं जो मतलब सच में बर्बाद हो गए हैं ठीक हम उनको उतना ही सॉफ्ट करेंगे जितने सॉफ्ट ही हैं पुराने उनकी शक्ल अलग है बात अलग है लेकिन इतना ही सॉफ्ट आपको क्या करना है लगातार इसको हल्के हाथ से प्यार से जैसे आप स्ट्रोक चलाते हो वैसे चलाना है ये क्या है वो अभी बताती हूँ जादू है थैंक्स एवरीवन फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो देखिए पहले हम लोग जो लोग शेयर कर रहे थे उनको हमने कहा था कि हम अपने हेयर टिप्स वाले ग्रुप में आपको डालेंगे अब तो वो सबके लिए यूट्यूब पे है तो अब शेयरर के लिए फिर से हमें कुछ अच्छा अलग सा सोचना पड़ेगा तो पक्का आप लोग इतना प्यार देते हो उसके लिए हमें सोचना बनता भी है बट थैंक यू सो मच कि आप हमारे वीडियो शेयर करते हो आपके थ्रू हमारी चीज़ें औरों तक पहुँचती हैं उसके लिए दिल से थैंक्स ये देखो अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ जो एकदम पत्थर हुए हुए थे जो अब मैं यूज नहीं करती थी कि मेरे खराब हो गए तो मैं सच बताऊं आज का हमारा आज भी पता एक बार जो चीज आप छोड़ देते हो ना जैसे आर्ट भी है अगर आप पेंटिंग नहीं कर रहे बहुत दिन तक आपका मन ही नहीं करेगा और जिन दिनों आप करोगे ना आपका मन करता है रोज थोड़ी देर कर लो है ना तो आज भी मन नहीं कर रहा था कि नहीं जा रही मैं लेकिन ये चीज मुझे आज अपनी करनी थी तो लगा चलो मानसी ये सबके साथ ही करते हैं अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बिल्कुल पत्थर थे इतना प्यार आप लोग दे रहे थे तो वैसे भी मजबूर थे चलिए मैं इसको अपने आप देखो क्या है ये अभी हम बताएंगे आप सब अब इसके अंदर ना बेटा वो डाल ये वाले मैं डिप करके रख देते हैं जो खराब है वो वाले डाल देते हैं और है कोई ऐसा नहीं बस सही है चलो अब मैं इन्हें ये वाले समझा दूं फिर वो वाले करते हैं चलिए तो हम लोग कहाँ तक थे कि हमने विनेगर में वो सॉरी टर्पेंटाइन में किया अब देखो ये वाला तो वो था जो टर्पेंटाइन वाला है एकदम सॉफ्ट ठीक अब हम आ जाते हैं जो ये पत्थर वाले थे जिनकी शक्ल देख के पता चल रहा था अब हम फिर सोचते हैं अब इन्हें फेंक दो बट ये एक ही बार में ये देखो दिखाई दे रहा है ये अभी गिला है जब सूख जाएगा तो एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा ये देख रहे हो और ये वो वाला है जो बिल्कुल अब खुलता भी नहीं था बिल्कुल पत्थर हो चुका था ये देखो ये वो वाले ब्रश हैं जो कई बार होता है ना अब तो बिल्कुल कोई होप ही नहीं रहा इन्हें फेंक दो ये वो वाले हैं एक बात बताती हूँ कई बार क्या होता है हमें ऐसी जगह शेडिंग करनी होती है जहां हम चाहते हैं नीचे हमारा थोड़ा भरा हुआ आए लेकिन ऊपर हमारे स्ट्रोक के निशान आए जब आपके कोई ऐसे ब्रश होते हैं उन्हें संभाल के रखा करो बहुत सुंदर शेडिंग आती है उससे कभी करके भी दिखा दूंगी बिल्कुल ठीक है अब आ गई हमारी बात की वो अभी जब ये सूख जाएगा अब इसके बाद का मेरा नेक्स्ट जो है मुझे कैसे साफ करना है वो भी अभी दिखाती हूँ लेकिन ये क्या चीज थी जिससे कि ये साफ हुए इस तरह आपको लेकिन ये ठंडा यूज नहीं करना बिल्कुल बॉयल करके करना है इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों से दूर और बहुत आराम से करना सब वेट कर रहे हैं हाँ बिल्कुल इस मैजिक के लिए ये देखो एटलीस्ट ये बहुत काम आ जाते हैं ब्रश है ना जहां आपको अपने फ्रेश ब्रश लेने हैं वो बात अलग है बट ये काम आ जाएंगे आपके जो पत्थर हो गए थे वो वाले मैंने आज निकाले थे
ये देखो, जब आप आगे से ही देखोगे ना तो आपको दिखाई दे रहा है कैसी शक्ल में थे, बट ये देखो अब ये नीचे तक का खुल गया है ना। ये देखो, ये मेरी तरफ से भी कई बार ऐसा लगता है फेंक दो, बट हो गया काम। ये देखो, दिख रहा है? बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ क्या है। सुनो, इधर आइए बेटा, ये सब पोछ देना और इसको बंद करके रख देना, ठीक है? चलिए, अब ये क्या था मैं दिखा देती हूँ। ये आप सबके घर में मिल जाता है विनेगर, ओके। विनेगर को आपको तेज बॉयल करना है। जब बॉयल कर रहे हो उसमें कुछ मत डालो, बॉयल करो और इस तरह से एक बॉक्स के अंदर डाल दो अपने सारे। जब वो तेज है उसको किसी चीज में डाला, ब्रश को डिप कर दो। जब आपके बहुत गंदे ब्रश है ना, तब वो एक बार में हो सकता ना हो, लेकिन उसको क्या है, हर थोड़ी देर में चलाते रहो। लेकिन सच बता रही हूँ, ये मैजिक है। ये देखो, ये वो ब्रशेज हैं जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। तो अगर कोई उतनी बुरी हालत का पहुंच गया, अच्छा ये वो भी बताना मुझे आगे का स्टेप, राइट। तो फ्रेंड्स, क्लियर कर दें कि जो था वो हॉट बॉइलिंग वाटर नहीं था, नहीं, वो व्हाइट विनेगर, वो व्हाइट विनेगर है। तो विनेगर को बॉइल करोगे और उसके बाद उसमें डिप करके रख दोगे और फिर उसको साफ करोगे, ऐसे साफ हो जाएंगे सारे ब्रश। जितनी आपको ना, जैसे मेरे टच वुड उतना वो नहीं था, हार्ड हो चुके थे लेकिन उतना नीचे तक गंदगी नहीं भरी थी। आपके में अगर उसमें बहुत कलर जमा हुआ है तो पता है ऐसे बहुत सारे बबल्स आएंगे और वो कटना शुरू हो जाता है अंदर का कलर, और एकदम ब्रश आपका ये देखो साफ हो जाता है बिल्कुल। इसके बाद एक स्टेप नहीं है, दो तीन स्टेप है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये बार बार की मेहनत नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका सिर्फ आज आपने यूज़ किया तो आपने पानी से साफ करा, दो तीन पानी बदले, आपका ब्रश साफ हो गया आपने, लेकिन उसको खड़ा नहीं रखना आपने उसको ऐसे। ये हम सबकी आदत होती है, मेरे भी ये जो इसके अंदर मैं रखती हूँ ना, ये तब रखती हूँ जब मेरे सूख जाते हैं, ठीक। जब आप कपड़े से पोछ रहे हो, आपके कपड़े से पोछने के बाद ब्रश कभी नहीं सूखता, ये हमारी गलत फहमी है। ब्रश सूख गया हमने कपड़े, आप इससे पेपर वाले से हेयर्स भी नहीं सूखते ना नॉर्मली, जब टॉवल से, टॉवल के बाद आपके कभी बाल सूखे नहीं ना, तो उसके बाद आप इस तरह से इसको जरूर पोछा करो, और उसके बाद भी उसको खड़ा नहीं रखना। ये देखो, हमने जो कपड़े से पोछे थे उसके बाद तो इतना पानी है, और इसके बाद आप इसको इस तरह से लेटा के रखोगे, सूख जाएगा, फिर उसके बाद खड़ा कर देना, ठीक। आपने एक तरीका मैंने बताया विनेगर, अब हम बात कर रहे थे, ये तो मैंने दिखा दिया था ना मानसी, राइट, ठीक है, ये आ गया मेरा टर्पेंटाइन। ओके, ये पूछ रहे हैं कि ये जो विनेगर वाला है इसमें सब तरह के ब्रशेस, सब तरह के बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखो, अगर ये कब मैं बता रही हूँ, रोज के लिए नहीं है आपका, कोई ब्रश जो आपके फेंकने लायक हो गए हैं, जो मेरे, हाँ, जो आपकी तरफ से बिल्कुल बर्बाद हो गया और आप फेंकने वाले थे, तो मैं समझा रही हूँ कि उसे फेंकना मत, वो ठीक हो सकता है, ठीक। ये देखो, अभी एक बात समझो, देखो हम सारी बातें अब तो दोनों तरह से करेंगे ना, बालों की तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे को पता है कि हम सर्फ के अंदर कपड़ा डालते हैं, या हमारे कौन सा होता है वो सर्फ की तरह जो आता है, एरियल, तो मानसी मेरे डमशराज की आदी है, तो उसमें वो कपड़े को एक मिनट में साफ कर देता है। क्या हम अपने बाल धोएंगे? नहीं ना, उसमें बहुत कास्टिक है। इसी तरह इतने सॉफ्ट ब्रश, जो मेरे इतने महंगे ब्रश होंगे, मैं रोज में ये नहीं करूंगी। ये उसके लिए है जो आपके ब्रश खराब हो गए, लेकिन आप उन्हें फेंको मत प्लीज, वो साफ हो सकते हैं। लेकिन जब, जैसे बालों के बाद हमारा कंडीशनर जरूरी है शैम्पू के बाद, उसी तरह हमें इन्हें भी सॉफ्ट करना होता है, हम वो भी करेंगे। सब लोग कह रहे हैं आप पहले क्यों नहीं बताए, कितने सारे ब्रश तो यूं फेंक दिए हमने। सुनो, तुम लोगों ने याद करना थोड़ा कम कर दिया था, हमें कुछ ना कुछ स्पेशल करना पड़ा। मैं आज मानसी से पूछ रही थी, मैं क्या करने जाऊं, मैं क्या सिखाऊं, मानसी कहती कुछ भी करेंगे, तो मैंने कहा चल अपने ब्रश साफ करने हैं ना, तो वही करने चल चलते हैं। आप लोग थोड़ा जोर से याद कर लिया करो, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा आप हमें प्यार करते हो, आप हमारे वीडियो शेयर करो, हमें पता चलेगा आप प्यार करते हो। जितना आप हमें प्यार करते हैं उतना ही हमारे पेज को, हमारे चैनल, देखो ये देखो हमारी तरफ से साफ था ना, ये देखो कलर कट रहा है ना, ये बट जितने ब्रश भी थे, अरे कभी भी लेट नहीं होता, अभी भी उन सबको साफ करना एकदम, देखो चकाचक। अब ये वाली चीजें मेरी हो चुकी, टर्पेंटाइन हो चुका, अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बेटा हटाना, पहले हमने सोचा था आपको वॉशरूम में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन आधा काम बैठने का था, आधा खड़े होने का था, तो यही दिखा रही हूं आपको।
देखिए डेली ब्रश जो यूज करते हैं उन्हें कैसे साफ, वो भी आएंगे, पहले आप एक एक करके करते हैं, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन पता चलेगा। सारे अच्छे सॉफ्ट ब्रश आप लोगों ने उसमें उबाल दिए है ना, विनेगर में उबल गए। तो अब क्या करना है, कोई भी आपका हैंड वॉश हो या सॉफ्ट आपका कोई भी शैम्पू हो वो ले लो, थोड़ा सा जिस तरह से आप अपनी पेंटिंग में चलाते हो सेम वैसे ही आपको चलाना है, जोर जोर से उसको नहीं करना। आई होप आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे वो मैं सॉल्व कर पा रही हूं। आप अपने सवाल पूछते रहना, मानसी आपको देख रही है। तो इस बार भी थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्हें हमारे गिफ्ट पसंद आए। एक एक इंसान ने 10-10, 15-15 अपने सब बुकिंग की थी, तो हम लोगों को बहुत सारा टाइम लगा। लेकिन और उन लोगों के लिए सॉरी कि जिनका अगर कोई भी चीज टूटी या कुछ हुआ, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही आर्ट कभी हारता नहीं है। सो बिल्कुल हम दोबारा से भेजने की कोशिश करेंगे, कोई और कुरियर वाला देखेंगे। इस बार वो बेचारों की भी गलती नहीं थी, वो कह रहे थे मैम इस बार इतनी जगह भी धक्के खाते हैं, यहाँ चेकिंग वहां पड़ा रहता है, तो बस उस चक्कर में हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो मैं जब भी साफ कर रही हूं मैं आगे की तरफ जा रही हूं, है ना। ये देखो जो थोड़ा बहुत और बचा था ये आ गया नीचे। देखो मानसी इसको दिखाइए बेटा, यहां नीचे की तरफ कर देना, मैं दिखाती हूँ एकदम, तुम देखना तुम्हारा ब्रश कितना प्यारा हो जाएगा। देखिए अभी भी कितना जो एक्स्ट्रा हमने उसमें जब धोया, ये देखो आपने इसके अंदर डाला था, हमारी तरफ से बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कुछ नहीं निकला है ना, कोई कलर नहीं निकला। और अब फिर ये कहां से आ रहा है ना, ये देखो इसके बाद, क्योंकि मैं तो यहां पे हूं इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको इसी के अंदर धो रही हूं। आप लोग रनिंग वाटर के नीचे करोगे टैप के अंदर, हार्ड स्पंज को भी विनेगर के संग ट्राई कर सकते हैं। किसको हार्ड स्पंज? बिल्कुल, अरे उसको उसको भी उसमें करना पहले अपने विनेगर में, बिल्कुल साफ हो जाएगा, मेरा भी उससे ही साफ होता है, सो डोंट वरी। अच्छा होगा आप जब करेंगे बिल्कुल रनिंग वाटर के अंदर करिए। हाँ वही करिएगा, मैं मेरे को एक ही जगह बैठना था इसीलिए मुझे सब कुछ यहाँ करना पड़ रहा है। चलिए तो हमारा हो गया किस तरह से हमें हैंड वॉश और उसके साथ करना है, किस तरह से हमको विनेगर के साथ करना है। जितना जितना आप इन चीजों के साथ, ये अगर आपके जो डेली यूज वाले आपके ब्रशेज हैं आपने उनको साफ कर लिया, आपने उनको पोंछ लिया, उसके बाद आप चाहोगे तो जो ये मैंने किया है, चाहे आपके एक्रेलिक के हैं चाहे आपके ऑयल के हैं, आप स्टेप चाहे बार बार इस वीडियो को देख लेना तो आपको याद आ जाएगा। अभी मानसी टिश्यू पेपर था ना बेटा, एक बार एक और दे दे बच्चे। ओके, ये जो आपने अभी सोप से क्लीन किए हैं ये विनेगर वाले ब्रशेज हैं या टर्पेंटाइन? दोनों, एक विनेगर वाला और ये टर्पेंटाइन वाला, दोनों करके दिखाया क्योंकि आपको उसके बाद ये स्टेप दोनों के में करना है, इसलिए वार्निश वाले ब्रश भी इसी तरह से साफ बिल्कुल बिल्कुल करना। लेकिन वो भी अभी बताती हूँ कहाँ गलती करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग तो कहते हैं फेंक दो, लेकिन अगर बेचारे जो सफेदी वाले हैं वो रोज अगर व्हाइट वॉश के बाद फेंकेंगे तो उनकी तो दुकान ही लुट जाएगी। ये देखो जो इतना काला था, अगर एक बार में इतना साफ हो सकता है तो और क्या करोगे, right. ये देखो है ना। तो कम से कम मेरे इतने पुराने ब्रश भी वो यहां तक के ब्लॉक नहीं है, जबकि नहीं टाइम मिलता। कई बार हम लोग भी शॉर्टकट मारते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग बहुत महान है, गलती नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सामने तो सही चीज बताएंगे ना इसीलिए तो इतना भी खराब नहीं करते। और हो जाती है ये चीज़ है ना, हो जाती है, टाइम नहीं मिलता। चलिए तो आप सारे स्टेप बता रही हूँ, जो बहुत बेकार ब्रश हो गया हो, जो आपको मन कर रहा है कि अब आपको फेंक देना, साफ नहीं होगा, विनेगर को बॉयल करोगे, बॉयल करके सफाई से, बच्चा कोई पास नहीं होना चाहिए, उसको लाके किसी भी चीज में डाल के किसी बॉटल में किसी डब्बे में और अपने ब्रश डिप करके रख दो, हर थोड़ी देर में उसको चला लो। जब वो बिल्कुल जितना उसमें से उसकी गंदगी कटनी है तो वो निकल ही जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आप इसको टर्पेंटाइन में साफ कर लो, मानसी मुस्कुरा रही है। उसके बाद आपको इस तरह से करना है। तो एक बात सुनो, जब जो चीज मुझे फेंकने के लायक थी और अगर वो मेरी इतनी साफ हो जाए उससे ज्यादा क्या चाहिए। ये भी आप लोगों के सामने हर तीनों स्टेप हुए, इसकी भी शक्ल देखो, इसकी भी देखो और इसकी भी देखो, ठीक। अब आ गई हमारी बात कि
हम रोज वाले कैसे करें, रोज वाले के लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तब हमारे को क्या करना है, अपने हाथ पे पहले अपने दोनों तीनों पानी से, जैसे अगर मानो डेली ब्रशेस राउंड ब्रश हो या फ्लैट, सब इसी तरह से बेटा पानी देना हो दे दो, पानी है इसमें, इसमें दो आधा आधा ग्लास बस, ठीक। ये रहा, ठीक है। अब अगर मेरे ये तीन हैं, मान लो मैंने अपना कोई भी, मन से एक बुद्धि बेटा, कोई सा भी ब्रश, इसमें कलर नहीं है ना, यहाँ कोई भी कलर पड़ा है हमारा, जरा सा कोई सा भी कलर, मैं एक बार करके बताती हूँ आपको कि किस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आप पूछो, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और अगर सच में आपको हमारी चीजें काम के लगती हैं तो प्लीज शेयर आवर वीडियो। अभी थोड़ी सी, जो मेरे अपने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, बहुत तेज बुखार हो गया था, उसके बाद बहुत प्यास लगती है, बहुत दवाइयाँ खाई हुई हैं। टर्पेंटाइन क्या होता है? सुमन जी, टर्पेंटाइन भी एक ऑयल है जो हार्डवेयर की शॉप पे आपको मिलेगा। ये टारपीन का तेल, ठीक है। अच्छा, अभी एक जादू और दिखाना है ना, वो भी तो रह गया। कोई सा भी एक कलर जरा सा दोगे मानसी तो बताती हूँ। और डार्क कलर दे देने, तो इन्हें दिखाई नहीं देगा। बस देखो, जितना काम आप लोग करते हो, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, उतना तो हम भी करते हैं, लेकिन फिर भी देखो, अगर पुरानी भी हो जाती है, ये भी उतनी साफ है। इसको कैसे ध्यान रखना वो भी अभी बताती हूँ। मानो ये आपका काम खत्म हो गया, अब आप लोगों की तरफ से आपने ब्रश को पानी से धो लिया और मेरा काम हो गया, ठीक। लेकिन ये तो अभी ताजा ताजा, तो फिर भी इतना निकल गया। उसके बाद एक बार इसको जरूर दूसरे पानी में थोड़ा सा इसका और इसका कलर फर्क नजर आएगा, इतना नहीं है लेकिन थोड़ा सा। उसके बाद आपकी तरफ से जब हो गया, एक बार इसको इतना कर लो। अगर रोज के में अगर आप इतना भी कर रहे हो, बिलीव मी, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। ब्रश को नीचे ठोक ठोक के कभी साफ नहीं किया जाता, ओके। ब्रश को इस तरह से ऊपर ऊपर, उसको नीचे उसके सरफेस से मत वो करो, आगे के वो जो बाल हैं उसके वो खराब हो जाते हैं। तो ऊपर इस तरह से किया, लिया और इसको जोर से इस तरह से आगे की तरफ बस प्यार से पोछा एक बार अपने टिश्यू पेपर से, ताकि उसके अंदर पानी ना रहे। जहां तक पानी है, थोड़ा सा भी कलर है वो उसके अंदर ही है। तो जब मैंने ये कर दिया, उसके बाद इसको रात भर के लिए जब भी काम कर रहे हो, उसके बाद लेटा के चले जाओ, अगले दिन उसको खड़ा कर सकते हो। तो तब तक जो मेरा एक्रेलिक का या वाटर बेस्ड जितने भी कलर हैं उनका अगर मेरा ब्रश है तो साफ इसी तरह से करना है, बस खत्म। अगर आपका ऑयल का है, मान लो ये मेरा ऑयल कलर है और मैंने लिया, और उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा टर्पेंटाइन था वो विनेगर सिर्फ आपके खराब ब्रशेस के लिए, उसको बार बार याद मत करना। तो मान लो जो मेरा टर्पेंटाइन है उसके अंदर मैंने हाथ के हाथ ब्रश को अपने साफ किया, ऑयल कलर, ये ऑयल कलर के लिए, ठीक है, ये ऑयल कलर के लिए। एक्रेलिक का तो मैंने बता दिया, पानी, वाटर बेस्ड जितने कलर हैं, चाहे पोस्टर हो, एक्रेलिक हो, वाटर कलर, जो भी वो, ये तरीका है, तीन पानी से साफ करो, उसके बाद पोछो और रख दो। अब ये है मेरा ऑयल कलर का, मैंने काम कर लिया, मैंने टर्पेंटाइन में, वो भी दो डब्बी में रखना है, एक में नहीं। मैंने लिया, उसको साफ किया और ये किया। अगर आप रोज काम कर रहे हो, है ना, हर चीज को ध्यान से समझना, सबकी खिचड़ी नहीं बनाना। अगर आप रोज काम कर रहे हो तो बस इतना बहुत है, इसको भी मैंने करा, इसके बाद मैंने टिश्यू पेपर से पोंछा टर्पेंटाइन के बाद, और मैंने अपने ब्रश को रख दिया, अगले दिन मैं काम करूंगी, मेरे ब्रश को कुछ नहीं होने वाला। मान लो मैंने आज काम किया, मानसी मुस्कुराई नहीं रही हो अच्छा, अगर मान लो आपने आज काम कर लिया, लेकिन अभी आप 8-10 दिन या 4-5 दिन काम नहीं कर सकते, तो आपको एक काम करना है, सिर्फ जो हमारा उतना लंबा प्रोसीजर है वो सब नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, जो टर्पेंटाइन या एक्रेलिक का था और आपको अब कल ब्रश नहीं चाहिए, तो आप उस वाले में भी, जब आपने ऑयल का ब्रश अपना टर्पेंटाइन में, एक्रेलिक का इसमें कर लिया, उसके बाद अगर अभी ब्रश नहीं यूज करना कई दिन तक, तो हैंड वॉश वाला स्टेप जरूर कर लेना,
उसके बाद सुखा के रख देना, उसके नीचे तक कलर जमेगा ही नहीं। मैंने कहा ना ये मेरे अब सालों पुराने हैं, उनकी हालत देख के पता चल रहा होगा क्या होता है, बार बार टर्पेंटाइन में, थिनर में, इनमें उनमें डाल डाल के ब्रिसल जरूर ऐसे हो गए हैं, लेकिन मेरा नीचे बहुत सारा आधा आधा ब्रश खराब नहीं मिलेगा। तो ये आपको करना है, अगर रोज का रोज काम करना है तो वाटर बेस कलर खाली 2-3 पानी से साफ, कपड़े से पोंछ के, फिर टिश्यू पेपर से। अगर ऑयल का काम कर रहे हो टर्पेंटाइन से साफ, उसके बाद अपना कपड़े से पोंछ के टिश्यू पेपर। लेकिन अगर आप अब उसको फाइनली रखने वाले हो तो चाहे वाटर बेस वाला है चाहे ये वाला, इससे हैंड वॉश से या कोई माइल्ड सा शैम्पू आपके घर उससे कर लेना तो ठीक हो जाएगा। अब आ गया हमारा, ये सारी हो गई ये चीजें ठीक। अब कई बार क्या होता है हमारा कि बहुत हैंडल गंदे हो गए या मेरी कुछ वो है, जैसे ये जो है अब आ गया ये, अगर आपका रोज का रोज है, ये बेटा ले जाओ, अगर आपका रोज का रोज है तो आप इसको जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है या आपका काम खत्म होता है, इसको रनिंग वाटर के नीचे साफ करो, जरा सा स्कॉच ब्राइट मारो, जरा सा प्रिल डालो और साफ करो, ये एकदम रोज का करोगे तो साफ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने बहुत सारे दिन का पड़ा रहा, साफ नहीं किया, और अगर वो बहुत मोटी लेयर है एक्रेलिक कलर वगैरह की, तो बिलीव मी उसको पील भी करोगे तो वो पूरा का पूरा निकल आता है, तब आप उसे आराम से साफ कर सकते हो। लेकिन अब वो इतनी पतली परत है लेकिन बहुत दिन का हो चुका है तो ना साफ हो रहा ना कुछ हो रहा, तो आप क्या करोगे, तब उसको 2-3 बार पानी डालो और उसको करो सॉफ्ट होता जाए, जितना साफ हो फिर पानी भर दिया, फिर साफ करोगे प्रिल वाला पानी, थोड़ा सा प्रिल डाल देना उसके बाद साफ करना। लेकिन अब उससे भी नहीं जा रहा, साफ ही नहीं हो रहा, तो तब लेना नेल पेंट रिमूवर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर शेयरिंग दिस वीडियो, और अगर ये वीडियो वाकई आप सबको यूजफुल लग रही है ना, जादू हो गया ना साफ, ये देख क्या है ये नेल पेंट रिमूवर। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों से शेयर करने का बहुत बहुत सारा मन करता है, इतनी सारी चीजें दिमाग में चलती हैं, ये देखो ये भी साफ हो जाएगा। तो लेकिन मतलब इलाज तो सभी बीमारियों का है ना, जैसे भी कोरोना का मिल नहीं रहा, मिलेगा तो सही, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इस तरह से आपकी ये देखो पुराने से पुराना भी, ये देख रहे हो ये जो जितना भी साइड में है, ये देखो हो गया ना, ये देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा कलर, ये वाला, और ये है मेरा नेल पेंट रिमूवर। तो आप सारी चीजें चमका लेना, ओके? एक पूछ रहे हैं आप अपने घर का फर्नीचर कैसे साफ करते हैं? सुनो सब चीजों के लिए अभी, क्योंकि कोई कहता था बालों का बता दो, कोई कहता था कि पिकल्स बता दो, क्योंकि हमारी जो लाइव क्लासेस चलती हैं क्लोज ग्रुप में, उसमें कभी हम डोसे की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां बड़ी क्लोज सी फैमिली हो जाती है, वो क्लोज फैमिली में भी 60-70 लोग होते हैं, लेकिन बड़े मजे कर रहे होते हैं सब, यहाँ पे दिख भी जाएंगे। तो फिर उसमें वो लोग जो जो चीजें पूछते हैं हम उसमें आ जाते हैं। तो कोई कह रहा था पिकल अपने आके, कोई चटनी, तो हमने कहा ये हमारा आर्ट का है, फेसबुक पेज पे कुछ नहीं, तो इसीलिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर अब हम सब चीजें शेयर करने लगे, तो पक्का एक दिन ये भी रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ये देखो यहां दिखाई दे रहा है ना कलर पुराना, ये देखो चला गया ना एकदम, ये देखो पहले मैं दिखाती हूँ, ये पुराना कलर पिंक दिखाई दे रहा है, अब देखो जैसे करोगे गायब हो जाएगा। Thank you friends for liking today's video. ठीक, अब जो भी चीज तुम्हारी ब्रश के पीछे का हैंडल है, साफ नहीं हो रहा, बहुत पुराना हो गया, गंदा हो रहा है, एक्रेलिक है, ऑयल है, अपना यही नेल पेंट रिमूवर लगा और उससे रगड़ दो, वो भी साफ हो जाएगा। तो ये देखो ये भी चीज साफ चमकने लगेगी, दिखाती हूँ। Thanks भावना, thank you for ये दिख रहा है। हम वही कहते हैं पता है, हम लोग सच में, आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना पुराने कलर हैं, अभी ताजा वाला नहीं है, ये देखो जरा सा बात करते करते ही करूंगी एकदम साफ हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो हैंडल्स खराब हो जाते हैं, आ गए हैंडल पे भी आ गए हम लोग, देखो एकदम साफ, ये देखो अच्छा यहाँ दिखाई दे रहा है, अब ये कलर दिखाई दे रहा है, बहुत पुराना है ना, अभी तो नहीं निकाला। तो सिर्फ नेल पेंट रिमूवर, आई होप कि उसकी बेचारे की पॉलिश ही ना गई हो कहीं और मैं उसे रगड़ रही हूँ, लेकिन नहीं कलर ही है, साफ हो जाएगा, देखो एकदम चमक के नया निकल के आएगा। वैसे हमें अपनी प्रैक्टिस रखनी चाहिए कि हम ब्रशेस कौन टाइम हो गया ना रखें। देखो एकदम नया हो गया ना, राइट। तो पुराने से पुराने कलर भी जो होंगे, देखो ये वाला है, साफ करती हूँ।
आपको पता है हम लोग यही कहते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट जो बेचारे यहाँ भी हैं ऑनलाइन वाले, वो यही कहते हैं, मैम ये 6 महीने आप लोगों की वजह से गजब के निकल गए. हम उनसे कहते हैं बल्कि आपकी वजह से हमारे निकले. हम रोज वेट करते हैं क्योंकि अभी पुरानी क्लासेस बंद हुई थी और नई शुरू होने वाली थी, तो भी हम लोग बस उनसे बातें करते हैं, सब अपने अपने काम से फ्री होते हैं और बैठ जाते हैं. ये देखो सबके हैंडल्स चमक गए ना, ये देखो सब नीट एंड क्लीन तो हो गया. पुराने से पुराने ब्रश जो भी है और हैंडल भी बता दिए, आपका पैलेट भी साफ हो गया. ठीक तो पूनम जी, नया पैलेट मत लीजिए, मत लेना उतने ही पैसे, फिर से आर्ट कोई नया सीख लेना. चलिए ये सब कुछ हो गया, अब हमारी एक प्रॉब्लम और आती है, हमारे ब्रशेस इस तरह से हो जाते हैं, है ना. वो बेचारों की भी कोई बात नहीं, आजकल अगर आप पहले के जमाने के देखो, पुराना है ना, तो एक बार हैंडल मैं भी चमका के देख लो. ये देखो इस पे दिख रहा है कलर, दिख रहा है मानसी, येलो कलर दिख रहा है. देखा, हम लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी गंदे रख देते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे एकदम ब्रांड न्यू हो जाएगा. ये देखो इतना सा भी कलर नहीं है ना, ये रहा वो पीला कलर. तो नेल पेंट रिमूवर, उससे साफ हो जाएगा. अब आ गया हमारा कि मैं बात कर रही थी आपसे कि बहुत बार क्या हो जाता है, हमारे ब्रिसल्स ऐसे हो जाते हैं, है ना. लेकिन आपके पास इतनी ज़रूरी इमरजेंसी है कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप जाओ बाजार से नया लेके आओ, तो हमें क्या करना है, कोई भी जैसे हमारा पियर्स है ना हार्ड वाला, वो नहीं ले सकते आप. जो भी आपका सॉफ्ट है, जैसे ये सॉफ्ट समझ गए ना, जैसे लक्स हो गया या ये डव हो गया, कोई भी उल्टी साइड से कर लेते हैं. तो पहले मैंने इसे पानी में हल्का सा गीला किया, आप अगर आपके पास टर्पेंटाइन नहीं है, अगर आपके पास थिनर भी नहीं है, अगर आपके पास हैंड वॉश भी नहीं है और आपको ब्रश अपना साफ करना है, आप कुछ मत करो, आप अपने पानी से ब्रश को लो और इस तरह से बड़े प्यार से आ जाओ. जितना कलर होगा आपके सोप के ऊपर नजर आने लगेगा, इसीलिए हमने आपके लिए व्हाइट ब्रश ये सोप मंगाया था, ताकि आपको यहाँ दिख रहा है ये कलर हल्का हल्का सा निकल रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें था. अब ये देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरह से वापस ला रही हूँ. मेरे उंगली और अंगूठे को देखना, थंब और फिंगर को, ठीक. मैं वापस इसको इस तरह से कर रही हूँ, ट्विस्ट करते जा रही हूँ. फ्रेंड्स, आप लोगों के सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हुए ही ये सारी चीज़ें आज प्लान करके आए, क्योंकि ये प्रोबेबल चीज़ें हैं जो सबको प्रॉब्लम करती हैं. एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लग रहा हो, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा. आपको कुछ नहीं करना, इसी तरह से धीरे धीरे कई बार इसको ऐसे इसके ऊपर रोल करते जाओ, ताकि ये जो सोप है ये इसके ऊपर आता जा रहा है, ठीक है. आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा, आप जब खुद करोगे ना तब आपको पता चलेगा. लेकिन अभी ये शुरू में देखा था ना कैसे इसके पूरे ब्रिसल्स खुले हुए थे. अभी आपको दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं. किस ब्रांड के ब्रशेस यूज करने चाहिए आजकल, तो ये सब कहना ही बहुत मुश्किल हो गया, सच्चाई बता रही हूँ. बाहर से लेके मतलब क्यों यहाँ पे किसी का भी नाम लेना है, सच्चाई है. अब अगर आप लोग देख पा रहे हो जहां से हमने शुरू किया था, अगर आपको थोड़ा सा भी चेंज नजर आ रहा है, आ रहा है, ओपन हो चुके थे इसके ब्रिसल्स, देखा था ना. yes. और अभी देखो, ठीक. अब आपको क्या करना है, अभी इसे पानी से बिल्कुल नहीं धोना, हल्का सा फिर टच कर रही हूं. हम राउंड ब्रशेस की टिप के लिए ही बता रहे हैं, ये राउंड है वर्कआउट, राइट. बस एक अद्धा बच्चा वो, और आप टाइम लगाते जाओगे, नहीं तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इसी में, राइट. लेकिन आई होप कि आप लोग समझ गए हो. थोड़ा सा इसमें टाइम देना पड़ता है रिजल्ट के लिए, बिल्कुल. बस एक ही बाल बचा है, दिख रहा है, जो बिल्कुल ऐसा हो गया था ये रहा. और लेकिन इसको अब आपको वॉश नहीं करना, अभी इसको आपको ऐसे सोप के साथ छोड़ देना है, ठीक है. ये देखो दिख रहा है, क्लियर हो गया, जो पहले दिखाया था वो भी दिख रहा था. तो आप ये देखो, अब इसको ऐसे सोप के साथ छोड़ दो. जब आप अपने ब्रश अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो अपने इसी तरह से सोप से, ऐसा नहीं कि उसको सोप लेके हाथ से लगा दो कि शॉर्टकट, नहीं, आपको इसी तरह करना पड़ेगा, क्योंकि उससे सोप जो है वो एक एक बाल के अंदर जा रहा है, ठीक है.
और ये देखो कितना प्यारा हो जाएगा। इसको ऐसे ही कैसे ही रख देना, थोड़ा कड़ाव दिखाई देगा, इसको ऐसे ही रखे रहने देना। जब भी यूज़ कर रहे हो तब आपको उसके ऊपर से वॉश करके और फिर यूज़ करना, 90% तो सुधार आ जाता है। ठीक है, आप एक बात और बताती हूँ, जब हम कोई भी राउंड ब्रश लेते हैं, मन से इसमें कोई राउंड ब्रश है, कोई नया रखा है? ठीक है, ये तो यूज़ किए हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, जब भी आप कई बार कोई भी अगर राउंड ब्रश ले रहे हो, ठीक, और बाजार से खरीदते हो, तो आपको टिप ऐसे ही नजर आती है, ठीक है, लेकिन आप जैसे उसे कलर में डालते हो, जरा सा यूज करते हो, कहते हो देखो एक ही बार यूज करा बाल निकल गए, उनके ऊपर भी इसी तरह से हार्ड चीज दी जाती है, वो उनका ऑयल होता है या क्या होता है, कोटिंग होती है, जब जैसे ही आप पानी में या कलर में डालते हो, जब वो हटती है तभी उसके ब्रिसल्स खुल जाते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारी वजह से ही खराब है, वो दिया ही इसी तरह जाता है और उसे हटाया ही जाता है। जैसे अगर मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ, ये देखिए पहचान क्या होगी जब आपने उसे पानी में डाला, मैं दिखाती हूँ, उल्टा होता अच्छा ब्रश जो होगा, ये देखिए ये बल्कि सिमट के इस तरह से हो रहा है, समझ रहे हैं? एक बार मानसी दूसरा धोए, पहले पानी में डालने से पहले बताती हूँ। ठीक, ये ब्रश देख रहे हो, बाल अलग अलग है ना, तो हमें लगता है जब अब इससे हम काम ही कैसे करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपने कलर में डालोगे या पानी में डाल रहे हो, तो ये देखो ये अपने आप सिमट जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हाथ लगाए बिना, एक एक बाल, इट मीन्स कि ये अच्छा है। इसी तरह से जब आप अपना कोई भी फ्लैट ब्रश खरीद रहे हो, मान से फ्लैट वाला दिखाइए बेटा, कोई सभी फ्लैट ब्रश जब ले रहे हो, तो अगर आप उसे ऐसे कर रहे हो तो ये देखो ये बीच में से ट्विस्ट होगा, यहां से टिप पे से नहीं, नीचे से नहीं, बीच में से, जैसे आप दे रहे हो वापस अपने शेप में आ जाए, ये अच्छा ब्रश है। बाकी आजकल अच्छा बुरा ब्रांड कोई मायने नहीं रखता, ये देखो ठीक है ना। और धीरे धीरे ब्रश खराब हो जाते हैं, लेकिन आई होप कि जो मैंने आपको बताया वो आपके काम आए। आप अपने सारे ब्रश पैलेट सब कुछ साफ कर लेना, और एक बार दिखा देती हूँ जो हमारी क्लास में चल रहा है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। और मन से कौन सी चल रही है हमारी? जो तेंजोर में हमारे इस बार 7 बहुत सारे स्टार्ट हुए हैं। हाँ, इस बार लाइव में चल रही हैं। लाइव में ये वाले कृष्ण जी स्टार्ट हुए हैं, ये वाले तिरुपति जी स्टार्ट हुए हैं, ये वाले श्रीनाथ जी स्टार्ट हुए हैं, और क्योंकि हमने गणपति जी बनाए थे अभी, ये अच्छा ये अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट हमारा। और मैं ये कह सकती हूँ अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इससे बहुत खूबसूरत हमारे स्टूडेंट्स का काम आया, क्योंकि वो लोग जानते हैं मैं पहले क्या करना से पहले क्या मत करना, गलतियां कर करके दिखाती हूँ, उसमें मेरी पेंटिंग कई बार खराब हो जाती है। ये हमने गणपति जी बनाए थे जो अभी मेरे स्टूडेंट के 90% कंप्लीट हो गए, मानसी ने शेयर भी किया था सबका रिजल्ट। तो फिर सबकी रिक्वेस्ट आई कि दिवाली से पहले गणपति जी और लक्ष्मी जी दोनों का सेट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो गणपति जी अभी कंप्लीट हुए हैं, तो उनके साथ की लक्ष्मी जी भी हमने स्टार्ट करी है। तो ये सब लाइव क्लासेस हैं, ये अभी कंप्लीट हुआ, ये हुआ है, और राधा कृष्णा, ये तीनों अभी। लेकिन चाहे सब पूछते हैं फिर फर्क क्या है, फर्क जब मैं लाइव होती हूँ बस इस तरह से आप हमसे बात कर सकते हैं, काम आप लोग भी वही वीडियो देख के करते हैं। तो तंजोर में जो चॉइसेस हैं वो है ये वाले राधा कृष्णा, ये शंकर परिवार, ये गणपति, और जो अब लाइव में अभी भी चलेंगी वो है ये लक्ष्मी जी, श्रीनाथ जी, तिरुपति जी, और ये वाले हमारे लिटिल कान्हा। ठीक, तो ये सब तंजोर में है। और एक हमारा बना था कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्रिश्चियन भी थे, मोमिन्स भी थे, उनका मन था कि हम ये भगवान नहीं बना सकते हमारे लिए कुछ, तो हमने ये पिकॉक स्टार्ट किया था, ये भी सबका बहुत अच्छा बना है। तो ये भी तंजोर में है, अगर किसी को बड़ी नहीं बनानी थी तो हमने ये बनवाई थी, 3D में बनवाई थी, इसमें जर्कन कैसे लगाना है सब है, तो ये छोटे में था। तो इस बार सिर्फ तंजोर ही तंजोर चल रहा है, और राधा कृष्णा के चरण मानसी दिखाना, वो हमने बनाए थे जो अभी वो चल रहे हैं, वो लाइव में स्टार्ट होंगे। लेकिन स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि सब लोगों ने विद मटेरियल करा था, और ये गिफ्ट वाले में सबका गया है, तो एक और होगा बेटा ये वाले। तो ये डिजाइन मैंने गूगल का ही लिया था, लेकिन ये अभी बस ड्रॉ किया है, और इसमें हम थोड़ा 3D देके और अपना ज्वेलरी आर्ट भी देके सबके साथ कराएंगे। तो ये थे हमारे राधा कृष्णा के चरण,
जो कि हम कुछ अलग स्टाइल में करने वाले हैं, तो सबका सामान पहुंच जाएगा। तो अभी जो जो मेरी क्लासेस चल रही होंगी, कोशिश करेंगे ऐसे बीच बीच में आके आपको अपने प्रोग्रेस दिखाते रहें। आई होप कि आपको हमारा ये आज की क्लास भी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, जिनके मटेरियल अच्छे से पहुंच गए, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। और जिनका अगर इस बार टूटा है तो हमें दिल से बहुत दुख हो गया, और हम कोशिश कर रहे हैं, हम फिर से बात कर रहे हैं, फिर से आपको दोबारा भेजेंगे, ताकि हमारा और आपका जो एक जो विश्वास है ना, वो जिंदगी में ना कभी खराब होने दिया ना होने देंगे। तो जल्दी से आपका सामान पहुंच जाता है तो चरण भी बनाएंगे। और इसी तरह अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, जरूर हमें बताइएगा, ताकि इसी तरह की जरूरी बातें लेके आपके पास आए। तो थैंक यू सो मच, बाय। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमारे YouTube चैनल को और हमारे पेज को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बाकी जिनकी भी प्रॉब्लम उसकी है ना हेयर्स की, वो यहाँ पेज पे ना करके आप YouTube पे जाओ, हमारा सेम नाम से है, एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। उस पे हमने हेयर फॉल का जो ऑयल बनाया था वो भी है, जो डैंड्रफ के थे, तीनों स्किन के लिए, ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, सबका है। तो वो सारी चीजें हमारे YouTube चैनल पे, तो आपको पसंद आएगी आई होप वो भी। और इस तरह की सारी चीजें लेके फिर से मिलेंगे आपसे। बाय 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 फ्रेंड्स।